हाय गाइस, तो आप कैसे हैं? आप सभी को आज पता है कि आज हैप्पी वैलेंटाइंस डे है और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। लोग आज के दिन कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कुछ इंजॉय का पल बिताते हैं, लेकिन आज जो लड़की लड़कियों के पीछे जो पैसे खर्च करके अनेकों पैसे खर्च करते हैं, अरे पैसे की कीमत उस बाप से पूछो जो मेहनत मजदूरी करके पूरी ज़िंदगी बेटी की शादी के लिए बचा के रखते हैं। और गर्व तो मुझे उस माँ की बेटे पे है जिन्होंने अपनी देश की आन बान शान के लिए इस पुलवामा आज के दिन पुलवामा हमले में अपनी जान गंवा दी थी। आज कई लोग कई माँ आज के दिन याद करके रोती होगी कि आज के दिन ही उन्होंने अपनी कई ऐसी माँ हैं जो अपने बेटों की खो जाने का गम अभी तक भूल नहीं पाई होगी। और आज का दिन जब भी आता होगा तो बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो बहुत ऐसी माँ जो अपने बेटे को याद करके रोती है। अरे गर्व तो हमें उन बेटों पे होनी चाहिए जो अपनी भारत माता के लिए दुनिया से कुछ कर गुजरने की बात हम सबको बता के चले गए। आज के दिन ही पुलवामा हमला हुआ था जिसमें कई माँ ने अपने बेटों को गंवा दिया था, और आज के दिन ही हर माँ को फ़ोन उठाने से डर लग रहा था। हर माँ, मैं देश की हर माँ की बात कर रही हूँ, कि हर माँ फ़ोन उठाने से डर रही थी कि कहीं उनका बेटा इस दुनिया से ना चला गया हो। इसलिए वैलेंटाइन डे भी मनाना चाहिए, लेकिन एक सीमित समय सबका होता है। और आज का जो पुलवामा हमला हुआ था उसका मुझे काफ़ी शोक है कि कई माँ ने अपने बेटे को गंवा दिया। और मैं उन माँ से यही कहना चाहूँगी कि आपके बेटे को सच सच नमन है कि उन्होंने इस देश की आन बान शान के लिए अपनी जान को गंवाई है। और मैं उन सभी बेटों को यही कहना चाहूँगी कि अगर कुछ कर गुजरने की आप में बात है तो इस भारत माता के लिए कुछ कर गुजरिए, ना कि दूसरे के ऊपर पैसे खर्च करके। इसलिए अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।